नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। परमाणु नीति पर पर्रिकर बोले, पहले इस्तेमाल की नीति से क्यों बंधे हम। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को हैरानी जताई कि भारत क्यों नहीं कह सकता कि हम एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है और पहले इस्तेमाल नहीं की नीति को दोहराने की बजाय वह इसका गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। पर्रिकर ने एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे खुद को क्यों आबद्ध करना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि मैं जिम्मेदार परमाणु शक्ति हूं और मैं इसे गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह मेरी सोच है। साल 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने पहले इस्तेमाल नहीं की परमाणु नीति घोषित की थी। मीडिया को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि वे लोग प्रकाशित करेंगे कि परमाणु नीति बदल गई है। उन्होंने कहा, यह सरकार में नहीं बदला है, यह मेरी धारणा है। व्यक्ति के तौर पर मैं भी महसूस करता हूं। मैं नहीं कह रहा कि आप इसे पहले इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि लक्ष्यभेदी हमले से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल की बात कर भारत को धमकी दिया करते थे। उन्होंने कहा कि लक्ष्यभेदी हमले के बाद से कोई धमकी नहीं आई। उन्होंने महसूस किया कि हम कुछ चीज कर सकते हैं जो बखूबी नहीं बताया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या इसका मतलब है कि भारत अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार करने जा रहा है, पर्रिकर ने इसका नकारात्मक जवाब दिया। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर गुरमीत कवल द्वारा संपादित द न्यू अर्थशास्त्र अ सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया के विमोचन के मौके पर मंत्री ने कहा, मैं कुल मिलाकर इस बारे में पुनर्विचार के लिए नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि मैं अपनी नीति को निर्धारित करूंगा, परमाणु पर सवाल होंगे, मेरे विभाग के कामकाज को कोई पहलू होगा। यदि मैं इसे सभ्य बनाऊंगा तब मैं हैरान करने वाला लाभ खो दूंगा। अप्रत्याशित रूप से आपको खास तरह की नीति बनानी होगी, आपको खुद के लिए फैसला करना होगा। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के सम्राट से की बातचीत। तालिबान ने अफगानिस्तान में जर्मन दूतावास पर किया हमला। गाजियाबाद की जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग, 12 की मौत। नीतीश कुमार बोले, शराबबंदी के बाद से रसगुल्ले की बिक्री बढ़ी। रूस के 5 प्रमुख बैंकों पर साइबर हमला।